भाई हम जाएंगे नफे ना। क्यों दोगे नफे ना भाई? मारा तो नफे है सर, मारे काम सारे नफे ने करे। अच्छा अच्छा बहन जी, मेरा भी कहना है गरीब का मसीहा था। मसीहा था जी। अच्छा अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं जी जी जी। और हम तो बचपन से ही, मतलब कि मेरे ससुर भी थे, मेरे हस्बैंड भी थे, हमारा पूरा परिवार उन्हीं के साथ था, उन्हीं के साथ रहेंगे हम। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों, मेरा हाथ जोड़कर राम राम। आज पहुँचे हैं बहादुरगढ़ के, विधानसभा बहादुरगढ़ के गांव कुड़ासी में, जो कि चुनाव बिल्कुल एकदम गर्मा गर्मी है। और यहां जनता बताएगी कि किसको देखना चाहते हैं अपना विधायक। तो जा समय ना गवाते, सीधे सीधे बात करना चाहता हूं मैं और आपके सामने रूबरू करता हूं। नमस्कार जी। नमस्कार। के नाम बहन जी अपना? जगमती सभा। जगमती कुड़ासी से ही? बादलगढ़ रहने वाले हो? हाँ। आज सीधा सीधा बात करें, एक आप भी नारी शक्ति का हिस्सा हैं। हाँ भाई। और चुनाव में आज हमारी माताएं बहनें भी, ऐसा नहीं है कि भोली भाली उनको पता नहीं है। हाँ। और वोट का अपना अधिकार सबको अपना हो है। हाँ, आप अपना वोट किसने दोगे भाई? हम जाएंगे नफे ना। क्यों दोगे नफे ना भाई? मारा तो नफे है सर, मारे काम सारे नफे ने करे। अच्छा अच्छा बहन जी, मेरा भी कहना है गरीब का मसीहा था। मसीहा था जी। अच्छा अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं जी जी जी। और हम तो बचपन से ही, मतलब कि मेरे ससुर भी थे, मेरे हस्बैंड भी थे, हमारा पूरा परिवार उन्हीं के साथ और उन्हीं के साथ रहेंगे हम। और मैं कैसे मिला था, तुम दिल से धन्यवाद करते हैं। वो हमारे बीच नहीं है लेकिन हमें गम है उनका, पर हम उन्हीं के लिए जी धन्यवाद। हाँ जी नमस्कार जी, शुभ नाम क्या है सर अपना? बलदेव जी, कुड़ासी से यहाँ पे जी। आज देख रहे हैं जगह जगह 10 से 15 लोगों के नामों के पोस्टर लग रहे हैं, किसको लाइक करते हैं आप लोग जो अपने वोट देकर 5 साल पछताना पड़े? हम देंगे एनएलओ ने। एनएलओ ने क्यों देंगे एनएलओ को? एनएलओ ने दे काम करे भाई जी। एक अदा काम करवाओ जी। क्या काम करे? मतलब काम तो जी सारे करे, काम रोड को लेकर, नौकरी को लेकर, नौकरी भी, गांव के भी, विकास भी पूरा किया है जी। बात है जी नौकरी की, आपके गांव में गवांड में लागी नौकरी पूरी इनेलो राज में? एक कड़वी बात और पूछूंगा मैं, क्या वो नौकरी फ्री में लागी है घुसखोरी में लागी है? कोई घुसखोरी फ्री में लागी है। नफे सिंगरा ठीक है करवाया और से जी जी, वो एक पैसा जी जी, मतलब नफे के राज में हमें ले विधायक था, जब नफे कोई पैसा नहीं ले रहा, फ्री करवा रखे। आज किसको वोट देंगे सीधा सीधा नाम? मतलब नफे के परिवार में कोई भी इलेक्शन लड़ता हम उसको दे। क्या नफे के कार्यकाल में नफे जी राठी साहब से कोई पछतावा आपने, क्यों उनको वोट दे गए कोई पछतावा? हमने कोई पछताड़ा नहीं, मतलब काम तो नफे ने किए हैं जी, सरकार चौटाला के लिए, हल्के में तो नफे ने करवाए काम। क्या इन बच्चों से उम्मीद है कि नफे राठी जी के बराबर काम कर पाएंगे? देखो जी काम तो करना चाहिए जी, उम्मीद है, उम्मीद पूरी। आपके गांव में कितने वोट होंगे जी? वोट है 3500। 3500 में से राठी फैमिली कितने वोट लेगी अंदाजा? देखो जी ये तो नहीं अंदाजा, ये 500-700 वोट आ सकते हैं, मतलब 2500 वोट होंगे। 2500 में से कितने मिल जाएंगे नफे फैमिली की? 2500 में 600 वोट मानो जी। भाई जी राम राम। क्या नाम अपना? शेखर है। क्या काम करते हो? कुछ नहीं करते। खेती बाड़ी? खेती बाड़ी कुछ नहीं करते। चलिए हो, किसको वोट देना अच्छा समझोगे आप? वोकर एनएलओ को देना चाहते हैं जी जी। क्यों दोगे उनको? वो कार्य उन्होंने अच्छा करा, नौकरी दिए काम, पढ़ाई वढ़ाई बच्चों के लिए अच्छा करा, रोड राड शहर नूर अच्छी आती थी, कार्य बहुत बढ़िया होता था, पढ़ाई वढ़ाई भी उनके परिवार ने सबसे अच्छा जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम क्या है सर जी? मेरा नाम जी राजपाल है। आप भी कुड़ासी से ही हैं? कुड़ासी से हैं जी। यानी जी अगर आपके विचार भी लें तो आपका हलका, आपका गांव के चाव है, किसने अपना विधायक देखना चाव है जी? मेरा नाम राजपाल है, गांव कुड़ासी है, हल्का बहादुरगढ़ है जी। हम दादा के टाइम से तब देवीलाल के साथ जुड़े हुए हैं जी जी। और अब की बार स्वर्गीय नपे सिंह राठी जी एक बहादुर हल्के के काम करने वाले इंसान थे जी, जो 36 बिरादरी के काम किया करते थे जी।
और आज हमारे बीच में नहीं रहे, हम इस बात का दुख है जी। लेकिन आज भी नपे सिंह राठी इस हलके के लिए जीवित है। मतलब यूं कह सके राठी साहब जिंदा हैं। जिंदा है। सीधी सीधी बात करें अगले चुनाव की। अच्छा, अगले चुनाव की बात करें, क्या बताना चाहोगे, किसको वोट दोगे और क्यों दोगे? अब की बार हलके की यही दुआ है कि ज्यादा से ज्यादा हलका अब की बार नपे सिंह स्वर्गीय नपे सिंह राठी के लड़के बेटे जी चंद्र राठी पर काफ़ी वोट डाल करके उसको विधायक बना करके और ऊपर भेजने का काम करेंगे, ताकि 20 साल से जो हमारे काम रुके हुए हैं उनको जी चंद्र राठी फिर से शुरू करें। क्यों बनाना चाहते उनके बेटे को जी? उनके बेटे को जैसे बनाना चाहते थे अगजीर राठी साहब से, जो आदमी विरोध करके अगे कैसे अच्छे काम कर रहा है, उनने ये जो राठी साहब को एक ऐसा गलत काम किया था उससे लोग बहुत नाराज हैं। अब की बार लोगों में ये दवेश हो चुका है, अब की बार नपे सिंह के लड़के को विधायक बना करके एक मौका दे करके और आगे विधायक बना करके आगे पहुंचाने का काम करेंगे जी। क्या जितने काम नपे सिंह राठी ने किए बच्चे उतने कर पाएंगे जी? अब हल्के की तो यही पुकार है कि विधायक जी से ज्यादा नपे सिंह का लड़का काम करे जी। थैंक यू। नमस्कार जी, क्या नाम साहब अपना? रविंद्र कुमार। कोलासी से ही? हाँ जी। आज चुनाव को लेकर क्या बताएंगे जी, किसको अच्छा मानेंगे, जो वोट देगा अपने पछताना ना पड़े, किसको वोट देना चाहेंगे जी? नपे सिंह राठी को दिया करते हैं। तो क्यों दिया करते जी? बच्चे हमारे गांव के एक बढ़िया काम करे, काम करे। अब किसको दोगे? पहले राठी जी को दिया करते, अब उसका लड़का उठेगा तो उसको देंगे। अच्छा, क्या उम्मीद है आपने कि जो काम नपे जी ने किए हैं वही बच्चे कर पाएंगे उतनी सेवा? मैं उम्मीद तो है जी। जी हाँ जी। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम भाई साहब? मेरा दीपक जी। कोलासी से ही है? हाँ जी, कोलासी। आज क्या काम करते हैं आप लोग? मैं जी खेती करता हूँ। खेती करते हैं। किसानों के लिए आज किसको आप लोग अच्छा नेता मानेंगे, विधायक देखना चाहेंगे, जो किसानों के हित के लिए हल्के विकास के लिए ठीक काम करे आगे? हम जी अपने हल्के के विकास के लिए वोट देंगे। किसको देना चाहोगे? हम जी जितेंद्र राठी को, नपे सिंह राठी के लड़के। क्यों देना चाहेंगे, क्या क्वालिटी उनके अंदर? उनकी क्वालिटी है जी, जो उनके फादर काम करते हैं ऐसा काम ये करते हैं, जैसे कि ये बादुना पार्षद है, उन्होंने बहुत अच्छे काम कर रखे वहाँ भी, और उम्मीद है यहाँ भी MLA बनने के बाद अच्छे काम करेंगे। क्या राठी जी के बाद में उतना ही सेवा, उतना ही भाव, उतना काम कर पाएंगे बच्चे? बिल्कुल जी, उससे ज़्यादा कर पाएंगे जी। राम राम अंकल जी। राम राम। क्या नाम अंकल जी अपना? राजेंद्र। कोलासी से ही हैं? हाँ जी। काफ़ी इलेक्शन में उतार चढ़ाव देखे होंगे अंकल जी आप लोगों ने, अब की बार ज़्यादा गर्मा गर्मी है ना कुछ? हाँ, गर्मा गर्मी। तो किसको सही मानेंगे आप लोग? हम तो जी चौटाला ही साथ रहे शुरू से ही। कितने लंबे चल गए जी? कोई साल हो गए इतने लंबे, मतलब भाई भाई भी अलग अलग बोले हैं, क्या आपकी कुछ तनाव नहीं हुआ बीच में क्या? वैसे भी कोई तनाव नहीं है। आज किसको वोट दें अंकल जी? सीधा सीधा जनता देख रही है आपको, राठी साहब को देंगे, परिवार में से कोई भी आ जाए। क्या आपने उम्मीद है जी कि जैसे राठी जी दिए वैसे बच्चे काम करेंगे? उनसे भी बहुत ज्यादा उम्मीद है जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। अपना शुभ नाम क्या है सर? श्री भगवान। क्या काम करते हो सर? स्कूल की बस चलाते हो। क्या मानेंगे जी जनता को, क्या बताएंगे, किसको अच्छा विधायक मानना चाहते हो आप लोग, बनाना चाहते हो? क्यों मानते हो राठी परिवार को? वो भाई काम हमारे काम के सारे काम हुए। एक कड़वी बात पूछूं मैं आपसे, जन जन के मुंह पे राठी परिवार के नाम आ रहा है, कई जगह चुनाव में शराब बट रही है तो कई पैसा बट रहा है, ऐसा तो नहीं यहाँ कुछ बट रहा हो इस मारे कह रहे हो आप लोग? ना ना, ना इस मारे कोई नहीं। तो लोगों की लोकप्रियता आई या काम बोल रहे हैं उनके? काम है जी, काम आया भी मनसा के सारे जी। थैंक यू। ये जो देखा आप लोगों ने कोलासी गांव का सर्वे, जो जन जन के मुंह पे राठी परिवार के नाम आ रहे हैं, इसमें सही और गलत क्या है आप लोग अपनी राय देते रहना, किसी बात की पुष्टि मीडिया की नहीं है, वक्ताओं के निजी विचार है जी।